पूरी दुनिया में कोरोना वायरस से हाहाकार मचा हुआ है। एक साल से ज्यादा वक्त हो गया, लेकिन जाते जाते ये वायरस फिर से लौट आया है। कई देशों में कोरोना की दूसरी लहर शुरू हो चुकी है, उनमें भारत भी शामिल है। देश के कई राज्यों में कोरोना ने कोहराम मचा रखा है। कड़ी पाबंदियों से लेकर लॉकडाउन जैसे तमाम उपायों के बावजूद हालात काबू में आते नहीं दिख रहे, बल्कि कोरोना के मामले और भी तेजी से बढ़ रहे हैं। भारत में कोरोना के मामलों में कमी आ रही थी, संक्रमण कंट्रोल में आ रहा था, लेकिन एक बार फिर वायरस का कहर तेज होने लगा है। महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पंजाब, मध्य प्रदेश, दिल्ली, गुजरात, कर्नाटक और हरियाणा में संक्रमण का ग्राफ काफी तेजी से ऊपर जा रहा है। पिछले कुछ दिनों से हर रोज 40,000 के आसपास नए मामले सामने आ रहे हैं। इनमें से 80% से ज्यादा केस इन्हीं राज्यों में मिले हैं। 114 दिनों बाद रिकॉर्ड पहली बार 43,000 से ज्यादा कोरोना केस आए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 43,846 नए कोरोना केस आए और 197 लोगों की जान चली गई है। हालांकि 22,956 लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं। इससे पहले 26 नवंबर 2020 को 43,082 कोरोना केस दर्ज किए गए थे। देश के दूसरे हिस्सों के मुकाबले महाराष्ट्र में कोरोना का कहर ज्यादा है। महाराष्ट्र में कोरोना जमकर तबाही मचा रहा है। आंकड़े देखकर तो यही लग रहा है कि महाराष्ट्र में महामारी का विस्फोट हो गया है। महाराष्ट्र में हर दिन सबसे ज्यादा कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं। शनिवार को महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण के 27,126 नए मामले दर्ज किए गए, जिसके बाद राज्य में संक्रमण के कुल मामले बढ़कर 24,49,147 हो गए। पिछले 24 घंटे में कोरोना की वजह से 92 लोगों की मौत हो गई है। महाराष्ट्र में मार्च के महीने में कोरोना विस्फोट का दूसरा दौर रफ्तार पकड़ रहा है, जिसे देखते हुए मुंबई में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर बीएमसी ने नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। बीएमसी के नए दिशा निर्देश में कहा गया है कि यूके, यूरोप, मिडिल ईस्ट, साउथ अफ्रीका से आने वाले यात्रियों को 14 दिन क्वारंटीन रहना होगा। इसमें 7 दिन इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन और 7 दिन होम क्वारंटीन शामिल है। हालांकि 65 साल से अधिक उम्र वाले लोगों, गर्भवती महिलाओं और 5 साल से कम उम्र के बच्चों को इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन से छूट दी गई है। जिस रफ्तार से कोरोना फैल रहा है, उसकी वजह से इन दिनों पूरे देश में हर तरफ बस यही चर्चा है कि क्या फिर से देश लॉकडाउन की गिरफ्त में जा सकता है। क्या कोरोना के विस्फोटक रफ्तार से बचाने के लिए लॉकडाउन की रिहर्सल शुरू हो गई है? क्या कोरोना पर जनता की लापरवाही इतनी भारी पड़ने लगी है कि अब लॉकडाउन ही एकमात्र चारा है? भारत के कोरोना से बुरी तरह प्रभावित राज्य लॉकडाउन जैसे सख्त कदम की तरफ बढ़ रहे हैं। इसमें सबसे ऊपर महाराष्ट्र है, जिसके नागपुर में पहले ही कोरोना को काबू में करने के लिए लॉकडाउन का सहारा लिया जा रहा है। नागपुर में लॉकडाउन की इन तस्वीरों ने देश को साल भर पहले की याद दिला दी है, जब कोरोना के फैलाव के डर से जनता पाबंदियों की बेड़ियां पहने घर में रहने को मजबूर है। नागपुर में कर्फ्यू जैसे हालात तो नहीं है, लेकिन लोग बेवजह बाहर ना घूमें, इसलिए ड्रोन से निगरानी की जा रही है। मध्य प्रदेश के भोपाल, इंदौर और जबलपुर में शनिवार रात 10 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक कुल 32 घंटे का लॉकडाउन लगाया गया है। इन तीनों शहरों में 31 मार्च तक स्कूल कॉलेज भी बंद रहेंगे। कोरोना के चलते पिछले साल 22 मार्च से ही लॉकडाउन शुरू हुआ था। उससे ठीक एक साल बाद मध्य प्रदेश के 3 शहरों में दोबारा लॉकडाउन लगाया गया है। राज्य में बिगड़ते हालात के मद्देनजर ये फैसला लिया गया है। आज जो है हमारे जितने भी इंटरनल पॉइंट्स हैं, ऑटो नाके हैं, सब जगह व्यवस्थाएं लगी हुई हैं। करीब 22 इंटरमीडिएट पॉइंट्स हैं, 122 छोटे लोकेशन हैं जहाँ की बल लगा हुआ है। इसके अतिरिक्त ड्रोन से, अनाउंसमेंट्स की व्हीकल से, अपनी डायल 100 की व्हीकल से, जितने भी हमारे संसाधन हैं, अनाउंसमेंट्स लगातार कर रहे हैं ताकि जन जागृति आए, पब्लिक इन्वॉल्वमेंट रहे और हमको जो इन्फोर्समेंट में सुविधा रहे। कितना जो कम वो
चालान जो है वो काटा जा चुका है मास्क ना पहनने वालों से। नगर निगम का अमला जो है पुलिस के साथ जॉइंटली काट रहा है, तो ये एग्जैक्ट फिगर्स तो वही दे पाएंगे, बट मेरे अनुमान से 1500 से ऊपर का फिगर है पर डे का जा रहा है, 1500 से 2000 का। बट हम लोगों का प्रयास ये है कि जन जागृति भी आए, दंडात्मक कार्रवाई अपनी जगह है और पब्लिक का जो है कोऑपरेशन मिले जिससे कि हम इस पैंडेमिक को काउंटर कर सकें। पंजाब और उत्तर प्रदेश भी कोरोना के कहर से अछूता नहीं है। इन दोनों राज्यों में भी कोरोना तेजी से पैर पसार रहा है। पंजाब में तो कोरोना के चलते 11 जिलों में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है, स्कूल और कॉलेजों को बंद कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर में धारा 144 लागू है। देखिए, जो ब्रॉड गाइडलाइंस कोविड प्रोटोकॉल के हैं वो सभी हम लोगों ने लोगों तक बता दिया है। यहाँ पर 144 भी इम्पोज कर दिया गया है और हम लोग लगातार विभिन्न माध्यमों से लोगों तक, आप मीडिया के माध्यम से भी, हम लोग अपने वाहनों के प्रचार माध्यम से सबको अवगत करा रहे हैं और ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि बिना मास्क न चलें, मास्क जरूर लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, अपने हाथों को लगातार धोते रहें, आवश्यक न हो तो घर से बाहर न निकलें। ये सारी चीज़ें हम उनको बता रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी अभी कुछ वायलेशंस देखने को मिले हैं और हमने अपने सभी फील्ड अफसर्स को ये बता दिया है कि अगर कहीं भी कोविड प्रोटोकॉल का वायलेशन होता है उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। जिन राज्यों में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं उनमें गुजरात भी शामिल है। हालांकि महाराष्ट्र के मुकाबले गुजरात में कोरोना के मामले काफी कम हैं, लेकिन फिर भी एहतियात के तौर पर कई जरूरी कदम उठाए गए हैं। अहमदाबाद, राजकोट, सूरत, वडोदरा जैसे शहरों में नाइट कर्फ्यू और शनिवार रविवार के दिन मॉल और सिनेमा हॉल बंद करने के आदेश के बाद से लोगों के मन में दूसरे लॉकडाउन की आशंका बैठी हुई है। ये परिस्थिति जो आज है उसमें ऑनलाइन एजुकेशन अनिवार्य बन गया है। जो स्कूल में ऑनलाइन एजुकेशन अच्छी तरीके से हो रहा है और जिस घर में माता पिता भी उसमें रुचि लेके, रस लेके, जवाबदारी पूर्वक बच्चों को ऑनलाइन एजुकेशन में जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, वहाँ फिजिकल एजुकेशन जितना ही अच्छा टीचिंग और लर्निंग ऑनलाइन में भी होता है। सरकारी स्कूल्स में हमने होम लर्निंग, जहाँ कनेक्टिविटी का इश्यू है, इंस्ट्रूमेंट नहीं है, उधर होम लर्निंग का कार्यवाही भी हम कर रहे हैं, जहाँ शिक्षक बालक के घर जाके भी उनको टीचिंग लर्निंग में मदद कर रहा है। जैसे जैसे कोरोना वायरस के खिलाफ जंग तेज हो रही है, ठीक वैसे वैसे वायरस भी खुद में बदलाव करते हुए मानो इंसान को चुनौती दे रहा है। कोरोना के खिलाफ जंग मुश्किल होती जा रही है, लेकिन शुरू से ऐसा नहीं था। पिछले कुछ महीनों में कोरोना के मामले काफी कम हो गए थे। हालात ये थे कि कोरोना भारत से खात्मे के कगार पर है। किसी ने सोचा भी नहीं था कि कोरोना के मामले अचानक से इस कदर बढ़ने लगेंगे कि लोग एक बार फिर से डरने लगेंगे, लेकिन सच्चाई यही है कि कोरोना के मामले 40,000 के पार जाने लगे हैं, यानी कोरोना ने एक बार फिर से फन उठाना शुरू कर दिया है। लोगों में निराशा घर करने लगी है। लोगों को लगा था कि वैक्सीनेशन शुरू होने के साथ ही कोरोना के केस कम होने लगेंगे और ऐसा दिखने भी लगा था, लेकिन उसकी वजह कुछ और निकली और कोरोना का वायरस फिर से काफी तेजी से लोगों को शिकार बनाने लगा है। ऐसे में कोरोना के खात्मे से जुड़ी कोई भी खबर आती है तो लोगों के दिल को राहत मिलती दिखाई देती है, क्योंकि अब कोई नहीं चाहता कि देश फिर से लॉकडाउन की तरफ बढ़े। जैसे जैसे कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं वैसे वैसे वैक्सीनेशन की प्रक्रिया में भी तेजी आ रही है। अगर आज की बात करें तो आज तक 4,20,63,392 लोगों को टीका लगा दिया गया है, लेकिन टीकाकरण की जो रफ्तार है वो ऐसी नहीं है कि जल्द से जल्द वैक्सीनेशन की प्रक्रिया पूरी हो जाए और कोरोना वायरस के लिए एंटीबॉडीज बन जाए। वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू हुए 2 महीने से अधिक हो गया है, लेकिन अभी तक भारत में महज 4.25 करोड़ लोगों को ही टीका लग पाया है।
कोरोना से छुटकारा दिलाने के लिए दुनिया भर के वैज्ञानिक अभी भी रिसर्च में जुटे हुए हैं। हालांकि इन्हीं वैज्ञानिकों के रिसर्च की मदद के भरोसे से ही वैक्सीन का जन्म हुआ। और अब तमाम देशों में वैक्सीनेशन का अभियान भी चल रहा है, लेकिन दुनिया को कोरोना के खिलाफ वैक्सीनेशन में एक और चमत्कार का इंतजार है। ये चमत्कार की उम्मीद जगी है नेजल स्प्रे वैक्सीन को लेकर, जो दुनिया को न केवल इंजेक्शन से मुक्ति दिलाएगी बल्कि लंबे समय तक वायरस के संक्रमण और प्रसार को रोकने के साथ वैक्सीनेशन की बुनियादी दिक्कतों से भी मुक्ति दिलाएगी।